मुल्क में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आईनी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। हम तमाम चीज़ें माफ़ कर सकते हैं लेकिन आईन तोड़ने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। तरनौल में पुरअमन जलसा होगा। फौज, पुलिस, रेंजर्स को फूल पेश करेंगे। ये जलसा तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद का है। जो लोग आईन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उसको रद्दी कागज समझते हैं, हम आईन की वायलेशन प्लेइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करेंगे और सदा कोर्ट ऑफ लॉ देगा। कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने तोड़ा, तहरीक इंसाफ उनका पीछा करती रहे। आईन तोड़ने की कोई बख्शिश नहीं, बाकी हर चीज माफ करने को तैयार है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है तो जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, उन सब को आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना। जलसा होगा, ये हमारी जमात के यूथ, विमेन विंग, लेबर विंग, मदर पार्टी, हमारे इत्तेहादियों की, उन सब का ये फैसला है।